हैदराबाद अभी भी खोज रहे हैं कि वो ग्रेनेड आया तो आया कहां से, पर हेस्पेरोस उनके पास भी एक मौका बन सकता है कि हैदराबाद के खिलाड़ियों को थोड़ा तो नुकसान दिया जाए। जोकर को चाहिए कि और पॉइंट्स वो लेके आए टीम एक्सपर्ट के लिए। लास्ट मैच में शानदार कमबैक था, बट इस मैच में अभी और पॉइंट्स की दरकार है। और देखिए तो सही जोकर के सामने है, उनका नाम जोकर है और अभी के लिए वो हैदराबाद हाइड्रास पे हंस रहे हैं। चारों प्लेयर्स अलग अलग पोजीशन में, जोकर ने एक गलती करी, एक प्लेयर को नॉक किया तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बट टीम लिम्डा के प्लेयर वो हील बैटल अभी भी कर रहे हैं। लेजिट की पोजीशन वो भी काफी इंपॉर्टेंट, लेजिट की पोजीशनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। वो गाड़ी वो ब्लास्ट करेंगे, कवर बढ़िया बनाया जाएगा और वो खिलाड़ी जोन के अंदर है पर रेड एंड वो प्ले जोन के बाहर है। उनके पास इतने सारे बॉल्स थे, उन्होंने हील बैटल क्या छोड़ दिया, रेड एंड वो डाउन कर दिए गए। पर जोकर अब उनके पास पूरा मौका है कि यहां से वो फायदा उठा पाए। पहली जोकर वो ऊपर उठे, खिलाड़ी को डाउन किया, क्रिप्टो वो भी डाउन कर दिए गए, उनका भी फिनिश। जोकर वो अपने खाते में लेकर जाएंगे, लेजेंड उनको भी देखा गया, लेजेंड वो भी डैमेज खा चुके हैं, डाउन करा देगा जोकर। एक बार फिर से वो आगे उठे, डाउन किया लेजेंड को। जोकर हंसते हंसते पूछ रहे हैं, कैन यू फील द स्पार्क कोची, इस लॉबी के अंदर आग लगा दी है इस खिलाड़ी ने। हैदराबाद हाइड्रास दो तरफा वार हुआ था, दो प्लेयर्स बैक टू बैक डाउन हुए थे, फिर जोकर आए, फायदा दिखाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। लड़ रहा है ये खिलाड़ी, एक और नॉक इंतजार कर रहा है, एक और फिनिश इंतजार कर रहा है। टीम एक्सपर्ट, वी ऑल नाउ कैन फील द स्पार्क। कल के दिन पे वो सिंप थे जिनका जलवा हमें देखने को मिला था, आज के दिन पे जोकर का वो जलवा, ग्रेनेड वो शानदार। जोकर आज के दिन पे क्या बढ़िया वो खिलाड़ी खेल कर गया, पिछले मैच में 6 फिनिशेस निकाले, आज के दिन पे वो 8 फिनिशेस।